Hello everyone, a very good evening. Am I audible and visible? Good evening everyone. क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ? Good evening everyone. Please do let me know in the comment section if I'm perfectly audible or visible. All right. So, काफ़ी टाइम बाद मैंने क्लास 11th की क्लास रखी है और मेरे को पता है कि 11th के बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं करते, राइट? वो लोग ज़्यादातर रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं बिकॉज आप रिकॉर्डेड क्लास में यू नो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती एंड स्टफ। बट यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो वन शॉट की उम्मीद कर रहे थे दी एडवेंचर चैप्टर की, तो मैंने सोचा कि यार लाइव ही जाकर पढ़ाऊँगी, बाद में चाहे बच्चे रिकॉर्डेड देख लें, कोई बात नहीं, ठीक है? सो फटाफट से आप सारे के सारे बच्चे आ जाइए इन द क्लास, जल्दी जल्दी से। जो आप इधर मत बैठो बेटा, गुड्डू इधर मत बैठो आप। हाय एवरीवन, मीट जो जो आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आप, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ले जाओ, सो जाओ, चलो। ऑल राइट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम नेक्स्ट ईयर क्लास 12 पढ़ाओगे ना? बिल्कुल पढ़ाऊंगी, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। तो फटाफट से आप सभी आ जाइए। दी एडवेंचर चैप्टर में आप लोगों को आज वन शॉट कराने वाली हूँ। वैसे मैं ये चैप्टर ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैनल के ऊपर, बट हाँ एक ही बार में मैंने वन गो में नहीं कराया है, तो आज मैं आपको वो चैप्टर कराने वाली हूँ। अगर आप लोग रिकॉर्डेड भी देखें सो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। अगर आप लाइव में भी हो तो ड्रॉप अ कमेंट आफ्टर दिस क्लास, सो दैट आई वुड नो कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड देखा, लाइव देखा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से जितने बच्चे आ गए हैं फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? ऑल राइट, और मुझे बता दीजिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइनली दी एडवेंचर पढ़ने आए हैं, क्योंकि वरना बच्चे बात ही करने आते हैं। क्लास 11 तो सीरियस क्लास होती ही नहीं है, है ना? तुम अगले महीने ही होगे सीरियस, मुझे पता है। जब जब एग्जाम आता है सिर्फ तब तब तुम लोग सीरियस होते हो, दैट्स इट। चलो, तो तुम सीरियस हो मत हो, मेरे को तो पढ़ाना है ठीक है? ऑल राइट। मैम आप मेरी बात नहीं सुनते। बेटा सुन तो मैं वैसे भी नहीं सकती, पढ़ सकती हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, बट ठीक है, आप बोलोगे मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं ज़रूर से पढ़ूँगी। ओके, चलिए तो शुरू करें। आर वी रेडी? कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? क्या मुझे यस मैम मिल सकता है आप सभी से? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप बच्चों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको ये जो चैप्टर है ये लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक? मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वो बच्चे छोड़कर जिनका कल पेपर है और वो आज ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो उनसे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करें। ऑफ कोर्स इस वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा, बट जिनके पास अभी टाइम है, जिनका पेपर अभी एक महीने बाद है, जो अभी लाइव क्लास में मौजूद है, और अगर उन्होंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग चाहे इस क्लास के बाद कभी भी आपको टाइम मिले, आप एक बार ना प्लीज़ एक बार आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में मैंने आपको आपकी एक एक चैप्टर की जो लाइन है, वर्ड है, वो बताया हुआ है, समझाया हुआ है, ताकि आप लोग इस चैप्टर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत जगह पे ये चैप्टर कंफ्यूजिंग तरीके से भी कराया, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वाली क्लास आपकी ली थी, ठीक है? चलो, सो अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं दी एडवेंचर का वन शॉट। अब यहाँ पर ये जो कहानी है ना, ये इसका नाम हम सबको पता है, दी एडवेंचर, ठीक है? और ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने एक ही समय पर दो वर्ल्ड्स का आभास किया, यानी कि एक ही टाइम पर दो अलग अलग डिफरेंट वर्ल्ड का उसने आभास किया, ठीक है, अब वो क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी स्टोरी के अंदर देखने वाले हैं। इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ, ठीक है, यानी कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और प्रीवियस ईयर मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार स्कूल वाले पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर देने वाली हूँ। आप लोग पूरी की पूरी पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही टेलीग्राम का लिंक है। ऑल राइट, चलिए सो शुरू करते हैं। द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री, ठीक है, टाइम और हिस्ट्री के आइडिया पे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। ये जो चैप्टर है ये एक प्रोफेसर के बारे में है, उनका नाम है प्रोफेसर गायतोंडे और उन्हें गंगाधर पंत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस हुआ। अब हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, आप लोग प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और शुरुआत कैसे होती है, ट्रेन में, ठीक है। तो जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो ट्रेन में बैठे होते हैं। अब हो सकता है आपको अभी जो मैं बोलूँ वो बातें थोड़ी सी समझ में ना आए अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है, बट मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, आप पेशेंटली वेट करना, पेशेंस रखना, धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठती जाएंगी, फिट होती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी, ठीक है। सो प्रोफेसर गायतोंडे, जिन्हें गंगाधर पंत के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कुछ यूनिक एक्सपीरियंस किया। वो पुणे से बॉम्बे ट्रैवल कर रहे थे जिजमता एक्सप्रेस में। जर्नी के दौरान उन्होंने सोचा कि मैं ना बॉम्बे पहुंचकर ना एक लाइब्रेरी में जाऊंगा, ठीक है। तो वो पुणे से कहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। अब उस ट्रेन में वो क्या सोच रहे हैं, वो पहले से ही अपना दिमाग में सेट कर रहे हैं कि मुझे किन किन जगहों पर जाना है, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, मैं जाकर ना राजेंद्र देशपांडे, ये इनके एक दोस्त हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं ना जाकर राजेंद्र से भी बात करूंगा। अब ट्रेन के अंदर उनकी मुलाकात खान साहिब से होती है जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं पेशावर, ठीक है। और खान साहिब जो होते हैं वो उन्हें बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं, इंडिया के बारे में। और हमारे जो प्रोफेसर है ना वो बैठ के सुन रहे होते हैं, बोलते हैं यार जिस इंडिया को मैं जानता हूँ और ये जो स्टोरीज बता रहे हैं ये तो बहुत अलग हैं, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरीज बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब उनके दिमाग में चलता है। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, ट्रेन में पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, प्रोफेसर गायतोंडे जा रहे हैं। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उनको भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। और गायतोंडे क्या सोचते हैं जिस भारत को मैं जानता हूँ ये तो उससे काफ़ी अलग भारत के बारे में मुझे बता रहे हैं, ठीक है। ये मैं तो इस इंडिया को जानता ही नहीं जिसके बारे में ये मुझसे बात कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा। अब आगे क्या होता है, The incident is a clear marker of the transition that has taken place. यानी कि इस चैप्टर के अंदर एक ट्रांजिशन हुआ है। ट्रांजिशन क्या होता है कि कुछ चेंज हुआ है। कहने का क्या मतलब है, आप प्रोफेसर गायतोंडे की जगह अपने आप को रख कर देखो। आज तक हम लोग एक हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, एक इतिहास पढ़ते आए हैं, है ना, कि अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, फिर हमें आज़ादी मिली, फिर हमारे लोगों ने यू नो लड़ाई लड़ी तभी हमें आज़ादी मिली, ये हम पढ़ते आए हैं। मान लो आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको बोला जा रहा है कि अंग्रेज तो कभी आए नहीं, या बोला जा रहा है कि अंग्रेज तो पहले ही चले गए, तो मतलब आप किसी वर्ल्ड से किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गए हो, ऐसा आपको लगेगा, है ना, कि एक ट्रांजिशन तो जरूर हुआ है। तो वो सोचने पे मजबूर हो गए कि मैं ना कहीं और जरूर हूँ, कुछ तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सबने सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना। तो वो देखते हैं उनके सामने क्या, headquarters of the East India Company. Now the professor was shocked because the East India Company had closed down after the event of 1857. अब जो हमारे प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं शॉक, बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। यानी कि बॉम्बे आते हैं और बॉम्बे में क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। बोलते हैं ये तो काफ़ी साल पहले ही बंद हो गया था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बट ये देखते हैं कि यार कंपनी तो बड़ी अच्छी खासी चल रही है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हिस्ट्री में ना कुछ तो चेंज आया है। यानी कि जिस इंडिया को मैं जानता हूँ, जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूँ, उससे काफ़ी अलग लेवल पे कुछ तो चेंज हुआ है ना, जो मुझे नहीं पता। और पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स को खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ है इतिहास में या फिर मैं सब चल क्या रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ कहाँ से गई, ये कौन सी हिस्ट्री है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। अब क्या होता है, वो जाते हैं बॉम्बे के रोड्स पे, निकलते हैं आगे ईस्ट इंडिया कंपनी से, देखते हैं कि यार सारी सेटिंग ऐसी लग रही है जैसे ना मैं कहीं फॉरेन में आ गया, है ना, जैसे मैं कहाँ पर हूँ, मैं बाहर के देश में हूँ, मैं ये मेरे को बिल्कुल भी बॉम्बे लग ही नहीं रहा है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वो फॉर्ब्स बिल्डिंग में एंटर करते हैं और रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि भाई मुझे ना विनय गायतोंडे से मिलना है। विनय गायतोंडे इनका बेटा होता है। अब रियल वर्ल्ड में यानी कि जो रियलिटी है उसमें तो इनका बेटा यहाँ पर काम करता है। ये सोचते हैं वहाँ जाता हूँ, पूछता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर है कि नहीं। तो अब होता क्या है, रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि इस नाम का तो हमारी किसी भी ब्रांच में कोई भी काम ही नहीं करता। तो वो समझ जाते हैं कि मैं ना कहीं और हूँ, मतलब ये मेरी दुनिया तो नहीं है ना, हो सकता है मैं इस दुनिया के लिए पैदा भी नहीं हुआ। वो समझते हैं मैं नहीं तो पास्ट में आ गया हूँ, नहीं तो मैं किसी और वर्ल्ड में आ गया हूँ, कि मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन फॉर्ब्स made him question his son's existence. He thought that if he is dead at this point in the alternate version of history, then his son might not even have been born. ठीक है, तो गायतोंडे के दिमाग में यही चलता है कि भाई अगर मैं इस दुनिया के लिए मैंने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है तो मेरा बेटा तो यहाँ पर अभी कैसे ही होगा। समझ रहे हो, यानी कि रियलाइज हो जाता है प्रोफेसर को कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसी और वर्ल्ड में हूँ और इस वर्ल्ड में हमारे जैसी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी। तो वो क्या करता है, वो लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, समझने के लिए कि ये जो मैं ऑल्टरनेट वर्जन में हूँ यानी कि ये जो मैं अलग एक वर्ल्ड में हूँ ये बेसिकली है क्या। तो वो एक हिस्ट्री बुक्स की लिस्ट मांगता है, उसके अंदर उसके कहने का क्या मतलब है कि हिस्ट्री इस वर्ल्ड की और रियल वर्ल्ड की बैटल ऑफ पानीपत तक सेम थी, बट बैटल ऑफ पानीपत में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो गई। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे चेंज होगी तो आगे भी चेंज होगी, येस और नो। कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे इतिहास में कोई भी एक पुरानी चीज़ में चेंज आया तो आगे की सभी चीज़ों में चेंज आएगा ना। अगर हम लोग किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहाँ पे हमें पता चले कि अंग्रेज़ तो आए नहीं थे, अब जब अंग्रेज आए नहीं तो फ्रीडम स्ट्रगल हुई क्यों और फिर आज़ादी मिलेगी क्यों, इंडिया पाकिस्तान अलग होगा ही क्यों, है ना, सब साथ ही होंगे उस वर्ल्ड में तो, राइट। तो मतलब एक छोटा सा चेंज भी हिस्ट्री में आगे तक की चीज़ों को चेंज कर सकता है। यस, सो यहाँ पर उन्हें समझ में आ गया कि भाई बैटल ऑफ पानीपत में ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो आए हैं। अब आगे बैटल ऑफ पानीपत में ऐसा हुआ क्या, देखो गंगाधर क्या रियलाइज करता है, दैट दो ही वाज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज हिज। ठीक है, बोलता है कि भाई मैं तो ये किताब जो मैंने खुद ने लिखी है वो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, राइटिंग स्टाइल तो मेरा ही है। द बुक मेंशन, अब बुक के अंदर क्या था कि जो मराठा आर्मी थी, अच्छा बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, है ना, बैटल ऑफ पानीपत में मैंने आपको क्लियरली जब चैप्टर पढ़ाया समझाया कि क्या हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी एक तरफ थी मराठा आर्मी, जिसे लीड कौन कर रहे थे, सदाशिवराव भाव एंड विश्वास राव। ठीक है, तो इनके अनुसार वो जीत गए थे, बट एक्चुअल में बैटल ऑफ पानीपत मराठास हार गए थे। जो हमारी हिस्ट्री है उसमें बैटल ऑफ पानीपत हार गए थे मराठास, बट यहाँ पर जिस वर्ल्ड में प्रोफेसर गायतोंडे पहुंच गया है वहां पर बैटल ऑफ पानीपत मराठास जीत गए थे और वहीं से पूरी की पूरी इतिहास में हिस्ट्री में आगे के चेंजेस आना शुरू हुए। ठीक है, द विक्ट्री स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, तो उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठास है वो अपना जीत गए। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया साइड यानी कि नॉर्थ इंडिया साइड पूरा उनकी सुप्रीमेसी हो गई, उनका जो रूल है वो चलने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना जो वो एक्सपैंड कर रही थी ना उस प्रोग्राम को उसे पीछे खींचना पड़ा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज हो गया कि भाई देखो ये जो मराठास है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और हम इनसे अभी नहीं लड़ सकते, और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही पीछे हट गई। ऐसा उसके पैरेलल वर्ल्ड में, बट एक्चुअल में बिल्कुल अपोजिट हुआ। एक्चुअल में मराठास हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन है वो बढ़ाती गई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी। विश्वास राव यानी कि अभी वो बुक ही पढ़ रहा है, जो हमारा प्रोफेसर है वो अभी किताब ही पढ़ रहा है, बुक में जो भी हिस्ट्री लिखी है वही हिस्ट्री यहाँ पर आपको भी बताई गई है। ठीक है बच्चों पार्टी, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। यहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास राव है सक्सेडेड हिज फादर and with his brother Madhav Rao expanded their influence all over India, which led to the fall of East India Company. लो भाई, अब इसमें आगे जिस वर्ल्ड में प्रोफेसर है उसमें आगे बताया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर बिल्कुल ही तबाह हो जाती है, बिल्कुल ही गिर जाती है, मराठा ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. अब जो रूलर्स होते हैं फ्रॉम पुणे, यानी कि जो मराठास वाले रूलर होते हैं ना, जो मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे 1 मिनट देना, मैं इसको बाहर छोड़ाऊँ. जो इधर आओ, कम आओ, ये लो जो ये लो, इधर बैठ जाओ आप. चलो ठीक है. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई जब मराठास जीत गए तो जो पुणे साइड के रूलर्स थे ना, उन्हें रियलाइज क्या हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज, कि भाई जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. जो आगे का पूरा ज़माना है वो टेक्नोलॉजी से ही भरा हुआ है ना. तो उन्हें इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस थी, जो महत्वपूर्णता थी, उस चीज़ का आभास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, और वो क्या करते हैं, सेंटर सेटअप करा लेते हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Though the East India Company offered aid and experts to extend its influence, they were only accepted to provide for the local centers. तो basically यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हेल्प करना चाह रही थी, बट यहाँ पर केवल कम से कम हेल्प ही मराठास ने ली. आप ओवरऑल इतना समझो कि बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि मराठास जीत गए तो मराठास का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता गया, उनका जो रूल था वो बढ़ता गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे नीचे 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 होता गया. ये यहाँ पर लिखा हुआ है. गंगाधर पंत फर्दर रेड अबाउट द चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस इन द 20th century. तो आगे उस किताब में गंगाधर पंत यानी कि जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ा कि क्या क्या चेंज आगे हुआ इन द 20th century. तो आगे चलकर जो पेशवास थे, दे लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज रिप्लेस देम. तो आगे चल चल के क्या हुआ कि ये जो हमारा वाला सिस्टम है कि वोटिंग सिस्टम था वो हमारा आ गया, और जो पेशवास थे वो भी पार से हट गए. अब आगे क्या हुआ, द शहनशाह ऑफ दिल्ली दो हाई इन पोजिशन हैड नो रियल पावर एंड अथॉरिटी. अब आगे वो बुक में पढ़ रहा है कि जो दिल्ली का शहनशाह हुआ करता था उसकी भी जो धीरे धीरे पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो भी कम होने लगी. गंगाधर पंत अप्रिशिएटेड द इंडिपेंडेंट इंडिया दैट हैड नॉट बीन रूल्ड बाय द वाइट मैन. यानी कि जिस वर्ल्ड में गंगाधर पंत पहुंच गया था वहां पर इंडिया को बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा था, इंडिपेंडेंट दिखाया जा रहा था. उस इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने रूल नहीं किया था, ऐसा दिखाया जा रहा था. ठीक है. फॉर कमर्शियल रीजन इट हैड अलाउड ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द ओनली स्टेशन. और उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि ड्यू टू कमर्शियल रीजन, बिजनेस की वजह से, लीज पे थोड़े सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे का एक स्टेशन दे रखा है, बस ये लोग यहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो बॉम्बे में ही रह सकते हैं एज देयर ओनली स्टेशन. अब आगे क्या हुआ, He looked into a book, भावसाव बाची बखर. तो ये एक बुक का नाम है. तो इन्होंने बुक में देखा कि और मुझे डिटेल्स मिल जाए बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, कि अगर मराठास जीते तो वो जीते कैसे, है ना, क्योंकि जो हमारी रियलिटी है उसमें तो मराठास हार गए थे. तो अगर मराठास जीते तो वो जीते कैसे, वो डिटेल्स के लिए ये और ज़्यादा पढ़ने लगे, और इन्हें पता चला दैट अ शॉट ब्रश्ड पास्ट विश्वासराव ईयर एंड ही एस्केप्ड हिज डेथ. As Gangadhar Pant was leaving the library, he absent-mindedly put Bakhar into his left pocket. अब यहाँ पर क्या लिखा है, मराठास कैसे जीते, कि जो गोली, जिस गोली से वो मरे थे, जो गोली लगी वो उनके कान के पास से चली गई, और मराठा जो उनका रूलर था वो बच गया. ये उस बुक में लिखा हुआ था. ठीक है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पर 2 पैरेलल वर्ल्ड्स की बच्चों बात हो रही है. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है वो सपना देख रहा है, बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं वो अब कोमा में चला गया है. यहाँ पे 2 पैरेलल वर्ल्ड बताए गए हैं. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको और ज़्यादा सेंस समझ में आएगा, बट आप समझ पा रहे हो ना कि रियल वर्ल्ड क्या था एंड स्लैश आपका जिस वर्ल्ड में वो है वहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें देख रहा है. ठीक है, तो एक तरफ रियल वर्ल्ड की उसका इतिहास है कि भाई मराठास जो थे वो हार गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था हमारे भारत पे. अब वो जिस जगह पहुंच गया है वहां पर क्या है कि मराठास जीत गए थे, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रूल नहीं है, केवल बॉम्बे एक उनका लोकल स्टेशन है जहां पर वो रूल नहीं करते, कमर्शियल रीजन की वजह से है. ठीक है, समझ में आया. अब आगे क्या हुआ, वो लाइब्रेरी से निकल गया एंड उसे ध्यान नहीं रहा, उसने बुक का जो पेज था वो अपने पास ही रख लिया। आफ्टर हैविंग हिज मील, और बुक भी उसके साथ ही आ गई। आफ्टर हैविंग हिज मील इन द गेस्ट हाउस, अब उसने खाना वाना खाया और वो आज़ाद मैदान की तरफ गया। ठीक है, तो जो प्रोफेसर था वो एक मैदान था आज़ाद मैदान, वहाँ की तरफ गया। उसने सोचा मैं कल दोबारा लाइब्रेरी जाऊँगा और दोबारा पढ़ूंगा। अब आज़ाद मैदान में उसने क्या देखा कि एक लेक्चर हो रहा है। लेक्चर क्या होता है कि कोई भाषण चल रहा है, बट गंगाधर पंत वो स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म। अब गंगाधर पंत किसको घूर रहा है? प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा है। ठीक है, जहाँ पर खड़े होकर क्या करते हैं लोग, भाषण वगैरह देते हैं, उसकी तरफ देख रहा है। He was looking at the presidential chair that was unoccupied and mesmerized by that sight, he moved towards the chair. अब वो देखता है एक चीफ गेस्ट होता है ना, वो देख रहा है एक चेयर तो रखी है इन्होंने सम्मान में, बट चेयर पे कोई बैठा नहीं है। तो उसे लगता है चेयर पे कोई बैठा क्यों नहीं है। अब वो जा रहा, खुद तो प्रोफेसर है, उसने बहुत सारे भाषण दिए हैं, बहुत सारी जगह पे वो एज अ चीफ गेस्ट गया, तो उससे देखा नहीं जाता कि यार मेन चेयर खाली है। तो वो क्या करता है, वो टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म खुद ही जाने लगता है। अब क्या होता है बच्चों, The crowd started shouting at the professor. जितनी भी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती है, सारे के सारे चीखने लग जाते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है। ठीक है, asking him to vacate, बोलते हैं कि तुम ये चेयर खाली करो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। गंगाधर पंत उन्हें इग्नोर करता है और वो अपने व्यूज देने लगता है कि कैसे एक चीफ गेस्ट का होना इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी के फालतू के वादे नहीं चाहिए, यहाँ पर लोग आते हैं वादे करते हैं, नहीं, हमें खाली स्पीकर से मतलब है, वो बोलेगा हम सुनेंगे हम जाएंगे, हमें और कोई नहीं चाहिए। तो वो मानता नहीं है। इतने में ही उस पे अंडे टोमेटोज और बाकी की सारी चीज़ें लोग उस पे मारने लगते हैं। एंड ऑडियंस स्टेज की तरफ बढ़ती है उसको स्टेज से भगाने के लिए। अब क्या होता है बच्चों, लास्ट गंगाधर पंत को यही याद है कि सबने उठाकर उसे फेंक दिया। अब एकदम से स्टोरी आ जाती है रियलिटी में, यानी कि वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, एकदम से ऐसे अपनी आँखें खोल लेता है। ठीक है, समझ लो कभी आपने सपना देखा है, सपना तो सभी देखते हैं भाई, सपने में कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बड़ी ऊंची जगह से नीचे गिर गए और एकदम से हम उठ जाते हैं, नीचे गिर के क्या हुआ हमें नहीं पता, हम ऐसे खाई से गिर गए हम उठ जाते हैं, राइट। या फिर अगर आप कोई भी सपना देख रहे हो तो आप कैसे देखते हो सपना, टूट टूट के पीसेस में देखते हो ना, येस और नो, जल्दी बताओ। पीसेस में आता है ना सपना, पूरा एक कहानी तो कभी नहीं आती। कभी आप चाचा के घर पहुंच जाते हो सपने में और फिर सेम जगह आप अपने स्कूल में पहुंच जाते हो। अब वो तो नहीं पता ना मैम चाचा के घर से स्कूल में कैसे पहुंचे, भाई सपना है कहीं भी पहुंचा सकता है हमको लाइफ में, राइट। अब एकदम से यहाँ पर क्या हुआ, वो रियल वर्ल्ड में आ गया, रियलिटी में आ गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने दिमाग में रखो। अब क्या हुआ, द स्टोरी मूव्स बैक टू द रियलिटी एज वी नो इट वेयर गायतोंडे प्लान टू मीट राजेंद्र देशपांडे। अब राजेंद्र कौन है, इनका बहुत अच्छा दोस्त है, और यहाँ पर इसने प्लान किया था कि भाई मैं किससे मिलूंगा, मेरे दोस्त से मिलूंगा। तो राजेंद्र ने गायतोंडे को पूछा कि भाई तुम ट्रक, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम कहाँ थे। अब देखो आपको बैक स्टोरी पता चलेगी। एक्चुअली हुआ क्या था बच्चों कि इनका एक लेक्चर था, इन्हें एक जगह पे भाषण देना था और ये बैठकर जा रहे थे अपनी कार में। ठीक है, तो जब ये जा रहे थे इनका एक्सीडेंट हो गया था, किससे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था इनका। इन्हें एक जगह पे भाषण देना था और ये जा रहे थे, रास्ते में अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं वहां जाके क्या क्या बोलूंगा। इनका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से और उसके बाद ये अपना कोमा में चले गए थे, 2 दिन तक बेहोश रहे और अब ये उठे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें अपने दोस्त को बताते हैं कि यार देख ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ना ऐसे ऐसे इमेजिन किया, ये था वो था वो था। तो इनका दोस्त इससे पूछ रहा है कि जैसे ही तेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, ट्रक से भिड़ने से पहले तू सोच क्या रहा था, तेरे दिमाग में क्या था। तो प्रोफेसर बोल रहा है कि मैं कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था और उसके इम्प्लीकेशंस हिस्ट्री पे क्या होंगे ये सोच रहा था। अब यहाँ से आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चेंज हुआ है तो उससे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो प्रोफेसर का जो लेक्चर था ना, ठीक है, जो प्रोफेसर का लेक्चर था 1000th लेक्चर वो देने जा रहे थे, तो जो लेक्चर था वो इसी टॉपिक पे था कि अगर हिस्ट्री में बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जीत गए होते तो आज हमारा भारत कैसे होता। समझ रहे हो, इसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक थ्योरी कि अगर कोई हिस्ट्री में कुछ चेंज होता तो आज क्या होता। अब आप भी बहुत बार बोलते हो ना कि यार अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज ऐसा होता, अगर मैं उस स्कूल में चला गया होता तो ऐसा होता, समझ रहे हो, इस टाइप से। ठीक, तो वो समझाते हैं कि मैं तो यही सोच रहा था कि हिस्ट्री पे अगर हम ये कैटास्ट्रोफिक थ्योरी लगाएं, यानी कि अगर हम हिस्ट्री का कोई एक इवेंट, मान लो बैटल ऑफ पानीपत उठा लें और उसमें जो मराठास हार गए हैं अगर वो जीत जाते तो भारत कैसा होता, मैं ये सोचता हुआ जा रहा था, मैं ये प्रिपेयर करता हुआ जा रहा था। समझ में आया सभी को? अब उसके बाद उन्होंने वो पेज दिखाया जो बुक से उनकी जेब में रह गया था कि भाई देखिए वो पेज है जो मुझे मिला वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, द पेज हैड द डिस्क्रिप्शन। अब उस पेज में क्या था, डिस्क्रिप्शन था कि कैसे जो विश्वास राव है उससे बुलेट मिस हो गया। विश्वास राव जो मराठास को लीड कर रहा था, यानी कि जो लीडर था, उससे बुलेट मिस हो गया, ठीक है, उसे गोली नहीं लगी। Rajendra produced his copy of the same text on which it was written that Vishwas Rao was hit by the bullet and died। और जो उनका फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, उन्हें रियल हिस्ट्री की वो दिखा रहा है कि भाई देख जो हमारा इतिहास है उसमें तो लिखा है कि इसे गोली लग गई थी, मर गया था। और जब एक टीम का, एक आर्मी का लीडर ही मर गया तो उसके जो पीछे बचे हुए उनका भी मोरल डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन जीरो हो जाएंगे, है ना, तो वो भी हार ही जाएंगे। तो इस वजह से मराठास हार गए थे। बट यहाँ पर गायतोंडे क्या बोल रहा है कि भाई बुलेट कान के टच होकर चली गई और वो जीत गया था। जो इतिहास मैं देख कर आया हूँ वहाँ तो मराठास जीत गए थे। तो वो ये एक्सप्लेन करने की उसे कोशिश कर रहा है। नाउ राजेंद्र देश पांडे देन प्रेजेंटेड टू साइंटिफिक थ्योरीज। अब राजेंद्र ने बोला यार ऐसे तो बड़ा मुश्किल है बताना कि तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम पास्ट में गए फ्यूचर में गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तो मैं ना एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुमको वो करता हूँ, बताता हूँ बेसिकली कि इसके पीछे की साइंटिफिक थ्योरीज क्या हैं, ठीक है। रैशनलाइज मतलब लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ कि जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो पहली तो उसने कैटास्ट्रोफिक थ्योरी बताई। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि कैसे एक इंसिडेंट बाकी की आगे की कहानियों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। कि कैसे अगर आप एक चीज सोच रहे हो कि बैटल ऑफ पानीपत में अगर मराठास जीत जाते तो आगे पूरा आपका हिस्ट्री चेंज हो जाता, राइट। दूसरा वो क्या बोलता है यहाँ पर, लेट्स से पहले वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में बताता है। बोलता है देखो द बैटल ऑफ पानीपत वॉन बाय विश्वास राव चेंज द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री टू द एक्सटेंट दैट इंडिया वॉज नेवर रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो वो समझाता है कि भाई देखो जो बैटल ऑफ, यार ये तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग मुझे सुपर चैट क्यों कर रहे हो, वाह यार थैंक यू चलो सो यहाँ पर बेसिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक पॉइंट पे यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जीत गए, ठीक है, तो उनका दोस्त समझा रहा है कि भाई बैटल ऑफ पानीपत जो कि विश्वास राव यानी कि मराठास जीते उससे आगे का पूरा जो हिस्ट्री था वो चेंज हो गया। इस हद तक चेंज हो गया कि कभी अंग्रेजों ने रूल ही नहीं करा, कि कभी अंग्रेजों ने क्या नहीं किया, कभी अंग्रेजों ने रूल ही नहीं किया भारत पे, इस हद तक चेंज हो गया हिस्ट्री, ठीक है। वेयर एज विश्वास राव डेथ इन द बैटल ऑफ पानीपत दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस अफेक्टेड इंडिया वी नो। अब वो क्या बोलता है, बट अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें ना तो बैटल ऑफ पानीपत में विश्वास राव मर गया था, है ना, और उसकी वजह से ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ, इंडिया की इंडिपेंडेंस से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट वो बोल रहा है पैरेलल वर्ल्ड में जस्ट बिकॉज एक चेंज हो गया कि विश्वास राव जीत गया तो इस हद तक चीज़ें चेंज होती चली गई, ठीक है। यूजिंग अ क्लियर एग्जाम्पल, अब इस चीज़ का एग्जाम्पल लेके वो अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करता है, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये साइंस की एक थ्योरी है, आपको ज़्यादा साइंस पे नहीं जाना क्योंकि लिटरेचर है, ये लिटरेचर के ही लेवल पे आप से क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो अपनी इस थ्योरी में बताता है कि भाई देखो जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पाथ हमें नहीं पता, वो अपनी मर्जी से ऑर्बिट्स में स्विच करते रहते हैं, है ना। मैंने आपको जब पूरा चैप्टर पढ़ाया तो बताया भी था अगर एक यहाँ है तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ है तो वो यहाँ भी आ सकता है अपनी एनर्जी रिलीज करने, राइट। तो यहाँ पर उनका जो पोजीशन है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हम पता नहीं लगा सकते। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि भाई जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैसे ही हमारा दिमाग भी होता है, तो हम लोग भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले गए, यानी कि एक ही टाइम पर अलग अलग रियलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, वो ये समझा रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रेजेंट है बस, वो बोल रहा है हो सकता है कोई एक अलग दुनिया हो, उसमें कुछ और प्रेजेंट चल रहा हो, उससे एक अलग दुनिया हो, उसमें कुछ और प्रेजेंट चल रहा हो, बट हम एक समय पे सबको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया? तो राजेंद्र बोलता है कि ये जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है ना, ये हमें इस वर्ल्ड के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव देती है। ठीक है, यानी कि अगर ये हो गया होता, तुम कुछ भी बोल लो, तुम बोल लो अगर इंडिया और पाकिस्तान का वो नहीं हुआ होता, पार्टीशन नहीं हुआ होता, तो वो बोलते हैं इसके लिए भी एक अलग वर्ल्ड होगा शायद, जहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ होगा और उसके आगे की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होगी। तो वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक टाइम पर अलग अलग वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं, बट हम लोग एक टाइम पर एक ही रियलिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो समझाते हैं कि गायतोंडे, तुमने हमारे वर्ल्ड से तुम्हारे दिमाग ने एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांजिशन किया। अब उसे नहीं पता, वो बोल रहा है देखो मुझे भी नहीं पता तुम सपना देखा या तुम उसी बारे में सोच रहे थे, तुम क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, बट लॉजिक मैं तुम्हें दे सकता हूँ इसके पीछे कि शायद तुम्हारे दिमाग ने क्या करा, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांजिशन किया। ठीक है, एक वर्ल्ड हमारा है जिसकी हिस्ट्री हम जानते हैं और दूसरे की कंप्लीटली डिफरेंट हिस्ट्री है ना, जो कि बैटल ऑफ पानीपत से ही अलग होती है। ठीक है, तो वो बोलता है ना तो तुम पास्ट में गए ना तुम फ्यूचर में गए, तुम प्रेजेंट में ही थे, बट तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे थे। और वो उसका ये रीज़न भी देता है, बोलता है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना तो तुम इसी टॉपिक के बारे में सोच रहे थे, तुम यही स्पीच अपनी देने वाले थे, राइट और रॉन्ग, कि एट द टाइम ऑफ द कोलिजन, जब तुम्हारा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो तुम यही कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में ही तो सोच रहे थे कि अगर हम इस थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत पे लगाते तो आज को हमारा भारत कैसा होता। वही सब पॉइंट्स तो तुम नोट डाउन कर रहे थे, है ना, वही सब तो तुम लिख रहे थे। सो राजेंद्र के अकॉर्डिंग जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है ना, उन्होंने एज अ ट्रिगर एक्ट करा और जब वो कॉमा में गया तो वो उसी जगह पहुंच गया जो वो ट्रक के कोलिजन से पहले सोच रहा था। समझ में आया? अब मान लो मैं कुछ सोच रही हूँ, ऐसा बहुत बार होता है ना, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो आपको वही सपना आ जाता है, होता है कि नहीं? अगर आप कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में कि ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम होता है बट होता है, और आपको वही सपना आ जाता कि वैसा हो गया, राइट? तो हमारा जो ब्रेन है वो कैसे कैसे फंक्शन कर सकता है मैं खुद को नहीं पता। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई तुम अपने एक्सीडेंट से पहले यही सब तो सोच रहे थे, यही सोच रहे थे, जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम कॉमा में गए, तुम वहीं पहुंच गए, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वहीं ले गया। तो हो सकता है कि अंदर भाई और बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो जो तुम अपनी 1000th स्पीच देने वाले थे वो भी तो इसी के ऊपर था ना, बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर ही। तो अब उसने बोला कि मैं अब दोबारा से नहीं जाऊंगा, अपना वो जो मैं देने जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया स्पीच, वो मैं अब उस सेमिनार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी आज़ाद मैदान में ही दे दी 1000th स्पीच, है ना, उसकी लास्ट स्पीच थी जहाँ से उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। तो वो सोचता है कि भाई मैं तो अपनी उसी वर्ल्ड में दे आया हूँ, अब मुझे कोई और स्पीच नहीं देनी। समझ में आया? तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है बच्चों, दैट्स इट। मैं स्टिल बोलूँगी कि ये चैप्टर अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें नहीं आता समझ, प्लीज़ स्पीड बढ़ाकर इसका जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो आप देख लो वन शॉट एक बार ही। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, क्योंकि जो भी चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है ना, अगर हम उसे लाइन बाय लाइन समझेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर होगा। ये बस मेरा सजेशन है, वरना अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतना जितना मैंने आपको समझाया है, ऑलमोस्ट पूरा ही समझाया है, वो भी काफ़ी है। बट ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक पूरे साल में एक बार भी नहीं पढ़ा ना, तो आप एक बार पढ़ लो। अगर आपने पढ़ रखा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही वीडियो देख लो, चिल रहो। और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डाल के लाई हूँ, आप लोग देख सकते हो। एनसीईआरटी भी हैं, इसी के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हो। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगा बट मिल जाएगी। सो या दैट्स इट। ठीक है बच्चों, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए इन द सेंस कि अब चैनल पर और वीडियोस आती रहेंगी क्लास 11th की, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है फॉर क्लास 11, जिसमें मैंने आपका सारी वीडियोस कंप्लीट करा रखी है सारी। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने नहीं देखा एक भी बार, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और भी अभी आपके लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया है क्लास 11th के लिए, ठीक है। हिस्ट्री भी मैंने प्लान करा है, मेरे को थोड़ा सा डिले हो रहा है हिस्ट्री में, आई नो, कुछ कुछ है रीजंस, वो रीजंस पे तो खैर मैं क्या ही बात करूँ, बट हिस्ट्री भी मिलेगा तुम्हें डेफिनेटली, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डालिए, आई वुड आंसर। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइज लेटर, बाय बाय, टेक केयर।